तो गाइज ये मेरा लीजन 5 प्रो, इसको मेरे को यूज़ करते हुए एटलीस्ट 3 to 4 months हो गए हैं। तो इसका आपने कंप्लीट रिव्यू तो देख ही लिया होगा जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। तो आज इस बात करेंगे इसके अंदर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की हैं और जिसके अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को लगता है आपके लिए एक डील ब्रेकर हो सकती हैं। तो अगर आप इस लैपटॉप को बाय करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आपको मैंने डिटेल में बताई है क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके अंदर मैंने फेस की हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर वो प्रॉब्लम है वाईफाई की। तो लैपटॉप जो कंपनी मतलब देती है लैपटॉप के साथ, वो 3 टाइप के कार्ड्स देती है। तो एक देती है मीडियाटेक का, एक देती है आपको रियलटेक का और एक देती है इंटेल का। तो इंटेल वाले मतलब बहुत ही कम लोग हैं, तो एक आधे लोग को ही मिला यार इंटेल। मैंने तो मतलब ये सुना नहीं किसी को आउट ऑफ द बॉक्स इंटेल दे दिया कंपनी ने। तो 2 टाइप के कार्ड रह गए अब हमारे पास, रियलटेक और मीडियाटेक। तो रियलटेक और मीडियाटेक के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मेरा मीडियाटेक था तो मतलब मेरा 70 Mbps का प्लान है मतलब राउटर का, और जब मैं इसको कनेक्ट करता था अपने वाईफाई से तो मतलब 70 की जो स्पीड आ रही थी वो 20 Mbps के आसपास आ रही थी, उससे ऊपर जा ही नहीं रही थी स्पीड। तो मैंने मतलब फोन में टेस्ट किया फिर, तो फोन के अंदर पूरी स्पीड आ रही है मेरी। तो मैंने मतलब कुछ टाइम यूज किया, उसके बाद लेनोवो को कांटेक्ट किया। और एक चीज और प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही थी, जैसे मैं गेमिंग करता था तो आजकल जो जितनी भी गेम्स है मतलब लगभग सारी गेम्स ही मतलब ऑनलाइन हो गई हैं और मतलब मल्टीमीडिया गेम्स हो गई हैं। तो मेरा मतलब पिंग इतना हाई आता था गेम के अंदर, जैसे वैलोरेंट के अंदर भाई गोली मैंने अब चलाई तो वो 2 मिनट बाद गोली चलती थी, बंदा कहीं और ही पहुंच गया होता था, अलग ही नशे चल रहे थे गेम के अंदर। तो बिल्कुल ही घटिया गेमिंग एक्सपीरियंस था इनिशियली तो मेरा, क्योंकि मतलब वाईफाई चलता नहीं था तो मेरे को मतलब डायरेक्ट ही लैन से कनेक्ट करके फिर खेलना पड़ता था। तो इनिशियली मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, पर लेनोवो से मैंने बात की तो लेनोवो वालों ने मेरे को मतलब बोला कि आप 3000 या 5000 कैशबैक ले लो, 3000 to 5000 मतलब उन्होंने बोला इतना आपको कैशबैक हम दे देंगे, तो वो आप ले लो। तो मैंने कहा नहीं यार, इतना पैसा खर्च किया अब लैपटॉप के ऊपर, मेरे को पैसे वापस थोड़ी चाहिए, मेरे को तो मतलब मेरा ठीक करके दो जो मशीन ली है मैंने। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं यार मेरा इंटेल का कार्ड रिप्लेस करवा दो। तो उन्होंने बोला नहीं सर अभी हमारे पास कार्ड है नहीं स्टॉक के अंदर, रिप्लेस नहीं करा सकते सॉरी। तो मैंने बोला कि उनको मेरे को यार ऑफिस वर्क रहता है या फिर जो भी है मतलब मीटिंग्स अटेंड करनी होती है पूरा दिन घर पे, जो जूम मीटिंग्स चलती हैं कॉलेज वॉलेज की। तो मैंने कहा मेरे को काफी प्रॉब्लम आती है और मेरे को जरूरी है मतलब कार्ड, तो प्लीज रिप्लेस करवा दो। तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है सर रिप्लेस करवा देते हैं आपका। तो वहां पे मेरे को अच्छी चीज लगी क्योंकि 10 डेज के अंदर मतलब उन्होंने बोला था जैसे, तो 10 डेज के अंदर टेक्नीशियन आके मतलब कार्ड रिप्लेस करके चला गया था और फिर दिखा दिया था, मतलब स्पीड अच्छी आ रही थी फिर तो मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं। तो लेनोवो का जो लीजियन सपोर्ट है और जो लेनोवो का कस्टमर सपोर्ट है वो मुझे मतलब काफी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो लीजियन सपोर्ट है उसके लिए आपको पर्सनली मतलब जो कस्टमर केयर के अंदर पर्सनली आपको कोई बंदा कॉल करेगा, और दिन में 2-2 बार भी कॉल आते थे मेरे को सर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है कि नहीं। तो वो चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि आपका मैटर जो है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करा देते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट लगा मेरे को। बाकी ये प्रॉब्लम थी तो मेरी सॉर्ट आउट हो गई थी, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं वो थी मेरे ट्रैक पैड के रिलेटेड, जो मतलब माउस वाला पैड होता है उसके रिलेटेड। तो इनिशियली जैसे मैंने यूज किया तो मेरे को फाइन लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता नहीं था मतलब इतना ऐसा लूज नहीं हो। तो कुछ टाइम बाद मतलब मैंने जैसे इनिशियली यूज करना शुरू किया तो इसके अंदर कभी कभार एबनॉर्मल रिस्पॉन्स चल रहा था, मतलब जैसे जूम की मीटिंग चल रही है मेरी, बीच के अंदर अपने आप ही मैंने इधर किया भाई साहब, तो मतलब मैंने ट्रैक पैड चलाया मतलब मीटिंग वीटिंग बंद करने के लिए, वो अलग ही माइक अनम्यूट होके मेरी आवाजें जा रही है उनको पता लग रहा है, तो भाई ऑकवर्ड मूवमेंट हो गए थे क्लास के अंदर। तो अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कौन कर रहा है क्लास में, जिसने मेरे को बताया कि भाई वो जो लड़का श्वेता आप ही हो ये। बाद में मैंने जैसे इनिशियली यूज करना स्टार्ट किया तो फिर पता लगा कि ये आवाज भी करता है, तो आपको मैं अभी सैंपल सुना देता हूँ कैसी आवाज कर रहा है मतलब ये। तो ऐसी कुछ आवाज़ मेरे लैपटॉप से आ रही थी, तो मैंने जैसे लीजियन सपोर्ट में बात की तो उन्होंने बोला सर कि आपका कोई एक्सटर्नल डैमेज है। तो मैंने बोला नहीं यार एक्सटर्नल डैमेज मैंने मतलब जानबूझ के तो कोई डैमेज नहीं किया, या फिर मेरे से एक्सीडेंटली भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा एक्सीडेंटल डैमेज नहीं है, ये आपका हो सकता है ट्रैक पैड में कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला सर नहीं एक्सटर्नल डैमेज के अंडर ही आपका जो ये कवर होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक ADP होता है एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन प्लान, तो वो आपका 1 ईयर का फ्री आता है इसके साथ, पर उसको आप 1 साल में 1 ही बार क्लेम कर सकते हो, मतलब आपको वो क्लेम करना पड़ेगा तब आपका ट्रैक पैड मतलब रिप्लेस करवा देंगे। तो मैंने कहा यार अभी मेरे को मतलब इतनी दिक्कत नहीं है, मैं माउस से यूज़ कर लेता हूँ, हो सकता है आगे कहीं लैपटॉप वैपटॉप गिर रहे ना भाई भगवान की कृपा रहे, पर अगर गिर गया तो भाई अगर वो प्लान नहीं हुआ फिर तो ख़त्म है, क्या बचेगा हमारे पास।
तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका लैपटॉप बढ़िया फाइन वर्क करे तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके अंदर। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी, तो अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर जो फेस की है वो किया रैम की। तो रैम की मतलब वैसे प्रॉब्लम नहीं है, रैम का यार ये होता है, जिसको नहीं पता मतलब उसको बता देता हूँ, वैसे बाकी जो लोग हैं मतलब गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो रिसर्च कर रखी होगी। तो दो टाइप की रैम आती है यार, एक होती है X16 वाली रैम, एक होती है X8 वाली रैम। तो जो X16 वाली रैम होती है यार वो थोड़ी स्लो रैम होती है, मतलब एज कम्पेयर टू X8 वाली रैम। तो होती दोनों 3200 मेगाहर्ट्ज की हैं, पर मतलब आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी जैरड टेक की, तो मैं इधर डाल दूंगा आपकी, तो जैरड भैया की वीडियो देख लेना, वहां से समझ आ जाएगा आपको क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। तो इसके अंदर यार ये दिक्कत थी, जो पुराने लैपटॉप्स आ रहे थे, मतलब पुराने इन द सेंस कि जो इनिशियली लॉन्च हुए थे, तो उनके अंदर ना लेनोवो X16 वाली रैम दे रहा था। तो उस रैम से यार क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब जो गेम्स खेलते हो आप जैसे, तो 5-10% मतलब FPS कम आ रहे थे। तो मतलब 5-10% FPS मतलब काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि फोर्ज़ा होराइज़न वगैरह तो इसके अंदर काफी मतलब डिफरेंस पड़ता है FPS से। तो वो मतलब इसके जो GPU और जो CPU की परफॉर्मेंस है उसको मतलब बॉटलनेक कर रही थी वो रैम। तो वो एक प्रॉब्लम आ रही थी इस लैपटॉप के साथ। तो मैंने काफी लोगों से बात की है, तो उनके वाला लैपटॉप में RX 8 वाली रैम नहीं आई, RX 16 वाली आई है। पर अब वाले लैपटॉप के अंदर मैंने मतलब जैसे सुना है कि RX 8 वाली आ रही है, तो वो चीज अच्छी है। इसके अंदर तो RX 8 वाली रैम है यार, मैंने पहले मंगाया था, पता नहीं कैसे चमत्कार से मिल गई। तो इसमें तो RX 8 वाली रैम है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आती गेमिंग के अंदर, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, और जो GPU CPU है उसको मतलब अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है जो रैम है इसकी। Nice. बाकी ये तीन प्रॉब्लम लगी मेरे को मेजर, जो लैपटॉप के अंदर मतलब कंसिडरेबल है। बाकी लैपटॉप यार फुल वैल्यू फॉर मनी है, फुल्ली मतलब फीचर से पैक लैपटॉप है यार, मैं क्या बताऊं। ये तीन प्रॉब्लम्स ही थी जो मेरे को लगी, बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसी मेरे को सच फेस करनी नहीं पड़ी। ये प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको बता दी, अगर आपको मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ता है इससे तो आप कोई और लैपटॉप ले सकते हो। बाकी मेरे को इतना नहीं पड़ा, तो मैंने ठीक भी करवा ली एक दो प्रॉब्लम्स, बढ़िया चल रहा है लैपटॉप, और क्या बताऊं मैं आपको। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा यार, क्या क्या कर रहे हो तुम ये बताओ मेरे को। 95.4% लोगों ने मतलब अनसब्सक्राइब छोड़ रखा चैनल, और सिर्फ 4.6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल। क्या कर रहे हो यार, ऐसे करोगे? अब इतनी मेहनत लगती है, अब मैं कॉलेज भी देख रहा हूँ साथ में, मतलब वीडियोस भी बना रहा हूँ यार। सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, मोटिवेशन मिलती है, नई नई वीडियोज लेके आएंगे आपके लिए। अब देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे को बताओ कमेंट में क्या करना चाहिए। बताना आप मेरे को कमेंट में जरूर कि मतलब कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे चाहिए। तो अब चलते हैं।